नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एल्केमी टीवी में। और आज का हम जो कार्यक्रम है सीधी बात, उसकी शुरुआत करते हैं। आज का कार्यक्रम में हम एजुकेशन जगत से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम देख रहे हैं एजुकेशन में काफ़ी तरह की नई नई टेक्नोलॉजीज या फिर इनोवेशंस या फिर नए नए क्राइटेरियाज आ रहे हैं। उन्हीं पे ही आज हमारे बीच में मौजूद हैं एमर सर और लोकेश कछावा जी। ये दोनों आईआईटी कानपुर से ग्रेजुएट हैं और जैसा कि पहले समझा जाता था कि आईआईटी से जुड़े हुए लोग या डॉक्टरी लाइन से जुड़े हुए लोग या पीएचडी होल्डर्स शिक्षा जगत को या शिक्षा फील्ड में इतना ज़्यादा रुझान नहीं था, उनका उनमें काम करने का इतना ज़्यादा रुझान नहीं था। लेकिन अभी जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे हमारे पास मौजूद है हमारे बीच अमर सर एंड लोकेश जी, जो कि आईआईटी कानपुर से हैं। इन्होंने आईआईटी करने के बाद में शिक्षा में किस तरह से अपना कदम रखा, उसी पे आज हम अपनी चर्चा स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरा पहला सवाल अमर जी आपसे रहेगा। मेरा पहला सवाल ये है कि सर, आप आईआईटी कानपुर से ग्रेजुएट होने के बाद में आपने शिक्षा के क्षेत्र ही किस लिए चुना? क्या आपको खामियां लगी पहले के चीज़ों में और अब आप इसमें किस तरह से काम कर रहे हैं? जी धन्यवाद अनिकेत जी। आपका ये जो सवाल है वो आजकल काफ़ी ज़्यादा एक काफ़ी लोगों के बीच चर्चा का विषय भी रहता है कि भाई ये आईआईटीएंस एनआईटी होल्डर्स और जो एमबीबीएस होल्डर्स है ये शिक्षा के जगत में क्या कर रहे हैं। उनके पास तो दुनिया भर के ऑप्शंस होते हैं, वो फॉरेन जा सकते हैं और बहुत सारे दूसरे कंट्रीब्यूशन से वो दे सकते हैं। तो इसका जवाब मेरा ये रहेगा कि जितना भी आप मेरा एजुकेशन रहा, थ्रू आउट द एजुकेशन मैं एक मेरिटोरियस स्टूडेंट रहा हूँ। सभी बोर्ड एग्ज़ाम्स में मेरे मेरिट रहे हैं। फिर मैं आईआईटी में सेलेक्ट हुआ, वहाँ भी मेरी बहुत अच्छी रैंक थी। और उसके बाद मैं 2014 में आईआईटी कानपुर से ग्रेजुएट हुआ और फिर मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ और मैं गया इंडस्ट्री में। लेकिन जब मैं इंडस्ट्री में गया तो वहाँ जा कर के मुझे दो तीन चीज़ें समझ में आई। उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगी वो ये थी कि जो भी मैंने 18-20 सालों में जो पढ़ा था और जो मैं एक्चुअली वहाँ पे कर रहा था, उसका कोई डायरेक्ट लिंक था ही नहीं। वो सारी चीज़ें थी जिनका मुझे वेग आइडिया था, कोई एक मशीन भी चल रही थी, कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे थे, तो मेरी जो डायरेक्ट लर्निंग थी और जो मेरा डायरेक्ट प्रोजेक्ट है उनमें मैं कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश ही नहीं कर पा रहा था। तो मुझे यूँ लगने लगा कि मैं ये जो पढ़ रहा हूँ ये आखिर मैं उसको यूज़ क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, आखिर दिक्कत कहाँ है। तो फिर मैंने उसके बाहर आके सोचा, फिर थोड़ा बहुत इंडिया के दूसरी फील्ड में भी मैंने पढ़ने की कोशिश की, तो इतने सारे इंडिया को इम्प्रूव करने के लिए पॉलिसीज़ आए, हर सरकार ने अपनी पॉलिसीज़ बनाई और हम देखते हैं कि हर पॉलिसी से इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई शॉर्ट कमिंग ज़रूर रहा। जैसे अपनी जो वर्तमान सरकार है वो भी अपना डिजिटल इंडिया है, मेक इन इंडिया है, स्वच्छ भारत अभियान है, इस तरह के कई तरह के जो अभियान है वो लेके आ रही है और उनका सक्सेस रेट काफ़ी कम है। और जबकि अपन एक तरफ देखते हैं कि इंडिया का जो थ्योरेटिक नॉलेज है उसमें बहुत अच्छा इंडिया कर रहा है, बहुत अच्छे अच्छे मेरिटोरियस स्टूडेंट निकल रहे हैं। बोर्ड के आप परसेंटेज उठा के देख लीजिए, 99 एंड अबव परसेंटेज आ रहे हैं। आईआईटी, एम्स, मेडिको, ये जितने भी आपके एंट्रेंस एग्जाम हैं इसमें बच्चे बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। फिर भी अपना जो देश है आधारभूत चीज़ों में पीछे है, अपने जो बहुत सारी जितनी भी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज है वो सब इम्पोर्टेड है, सबको हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। आप चाहो आप अपने इंडस्ट्री के इक्विपमेंट देख लो, चाहे आप आईटी देख लो, चाहे आप डिफेंस देख लो, हमें हर तरह की चीज़ को इम्पोर्ट करना पड़ रहा है। तो आखिर कमी कहाँ है? तो इन्हीं चीज़ों पे मेरी और लोकेश की रेगुलर चर्चाएं होती थी और हमने एक चीज़ पाया कि कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम हमारे शिक्षा सिस्टम में है, कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम है जो हमें उस ओर एम्पावर कर ही नहीं पा रहा है कि हम रियल टाइम कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकें। तो यही कुछ चीज़ें थी और यही कुछ समस्याएं थी जिनका समाधान करने के लिए मैंने और लोकेश ने हमारा सारा प्रोफेशनल लाइफ छोड़ के एजुकेशन फील्ड में आके काम करने का निर्णय लिया। तो देखा दोस्तों, आपको जैसे कि समझ में आ गया होगा कि एक आईआईटी से ग्रेजुएट आदमी शिक्षा की जगत से क्यों जुड़ा। तो
सर मेरा नेक्स्ट सवाल लोकेश जी से रहेगा कि सर आपका एल्केमी इंस्टीट्यूट एक टैगलाइन दे रहा है कि एन इनोवेटिव इंस्टीट्यूट फॉर आईआईटी जेई एंड एम्स। मैं इसके बारे में इनोवेशन के बारे में सर से कुछ बात पूछना चाह रहा हूँ कि वो इनोवेशन क्या चीज़ है, वो किस तरह का इनोवेटिव आइडियाज सर के दिमाग में चल रहे हैं या फिर वो किस तरह के इनोवेटिव आइडियाज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो लोकेश जी देखिए, अनिकेत जी जहाँ बात आती इनोवेशन की, और एमआर सर ने भी आपको बताया कि भारत बहुत ही आधारभूत एक जो वैचारिकता का स्तर है उसमें लैग कर रहा है, सुविधाओं में लैग नहीं कर रहा। हमारे पास स्रोतों की कमी नहीं है, हमारे पास स्रोत प्रचुर मात्रा में है, परंतु आधारभूत जो वैचारिकता है उसमें लैग कर रहा है। हम जो बेसिक है हमारे कि कोई चीज़ कैसे होती है, कोई काम कैसे होता है, कुछ चीज़ें बनाई कैसे जाती है, हमारा लैग उसमें है। एल्केमी इस समस्या के समाधान के लिए बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज उनको उपयोग कर रहा है। मैं उदाहरण के तौर पे यहाँ पे आपके सामने एक डीएनए का मॉडल है, देखो ये इस डीएनए के मॉडल में, ये डीएनए का मॉडल किताब में डायग्राम दिखता है आपको 2D में, लेकिन अगर हम इस डीएनए के मॉडल को 3D स्ट्रक्चर में इस तरह से पढ़ाएं तो क्या बच्चा जिंदगी भर इस डीएनए के मॉडल को भूल पाएगा? नहीं भूलेगा, और कितना इन्जॉयमेंट लेगा। इसी तरह से आप मेरे आसपास जितने भी देख सकते हो, अलग अलग मॉडल्स देख सकते हो, पीछे हर्ट के मॉडल है, यहाँ पे एटम्स के मॉडल है, यहाँ पे आपके सामने ये एक सेल का मॉडल है, एक ये प्लांट सेल का मॉडल है, यहाँ पे और भी पुली सिस्टम है, उधर देख सकते हो आप। तो पूरा ये जो हमारा एल्केमी लैब है जिसमें हम अभी बैठे हैं, इसमें अलग अलग तरह के जो साइंस के मॉडल्स हैं उनका यूज़ करके बच्चों को साइंस की फील दिलाई जाती है। साइंस को एक जो थॉरली एजुकेशन एक वर्ड होता है कि आपने सीख लिया कि वो आइडिया क्या है, परंतु थॉरली उसको महसूस करना कि वो वास्तविकता में जीवन पे कैसे उतारा जाए, उसके लिए हम एक इंस्ट्रूमेंटल एजुकेशन जो हमारा मेन कोर आत्मा है इस संस्था का, उस पर हम कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा इनोवेशंस में हम एक नॉलेज पार्क है हमारे गार्डन में इंस्टीट्यूट के, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो एक दो महीने का जो नॉलेज होता है जो क्लासरूम में टीचर्स के द्वारा डिलीवर किया जाता है बच्चों के बीच में, उससे रिलेटेड जो शॉर्ट नोट्स हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, डायग्राम्स हैं, विजुअल्स हैं, वो हम अपने गार्डन में प्लेस कर देते हैं। तो बच्चा क्लासरूम एजुकेशन तो लेता ही लेता है, इसके अलावा जब गार्डन में चलता फिरता उन नोट्स को उनको याद कर लेता है, उन आइडियाज़ को अपने दिमाग में अच्छे से एडजस्ट कर लेता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपसे बात करूं कि एक गांव में दो बच्चे हो, एक बच्चे के 33% और एक बच्चे के 70% या 90% है, उन दोनों से मैं रामलाल जी का घर पूछूं तो दोनों बच्चे क्या करते हैं अच्छे से बता पाएंगे? आप आइडिया नहीं लगा सकते कि एक बच्चा कमज़ोर एक बच्चा होशियार है पढ़ाई में, तो पढ़ाई के लिए। इसी तरह से एकेडमिक IQ जो है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। अब नॉलेज पार्क का बेनिफिट यहाँ पे क्या मिलता है कि जब इन्फॉर्मेशन आपके आसपास हो, जैसे कि उन दोनों बच्चों में देखें तो गांव में दोनों बच्चों के इन्फॉर्मेशन के आसपास है, तो दोनों बच्चे ऐसे ही कंफर्टेबल लेवल में आके उस जानकारी को दे सकते हैं। नॉलेज पार्क का हमारा आइडिया इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि जब इन्फॉर्मेशन आपके आसपास रहती है तो उस ज्ञान से आपकी आत्मीयता बढ़ती है और उस ज्ञान को आप अच्छे से डिलीवर कर सकते हो, बता सकते हो, काम में ले सकते हो, इससे नॉलेज पार्क का फ़ायदा होता है। एक हमारा आइडिया है वीडियो लेक्चर लाइब्रेरी। हम क्लासरूम में कैमराज से, HD कैमराज से और HD ऑडियो रिकॉर्डर से बहुत ही हाई क्वालिटी के वीडियोज़ को रिकॉर्ड करते हैं और उन्हें हमें कंप्यूटर लाइब्रेरी में रख देते हैं। इसका क्या फ़ायदा होता है कि बच्चा मान लो क्लासरूम में कोई टॉपिक अच्छे से सीख नहीं पाया है, अगर वो सीख नहीं पाया है तो वो क्या कर सकता है कि कंप्यूटर लाइब्रेरी में जाके उस वीडियो लेक्चर का एक्सेस दोबारा ले सकता है। उस टीचर ने उस पर्टिकुलर क्लास में क्या पढ़ाया वो वापस देख के कितनी ही बार रिविज़न कर सकता है। तो ये हम एक फैसिलिटी वीडियो लेक्चर्स के द्वारा दे रहे हैं। इसके अलावा हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी अच्छे अच्छे इनोवेटिव जो आइडियाज़ हैं कि चीज़ों को कैसे आसानी से समझा जाए, जैसे थोड़े दिन पहले एक YouTube पे हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे वीडियो डाला था, एक सॉलिड स्टेट में जो ब्रेविस सीरीज़ है उसको याद करने के लिए फंक्शन की आर्क लेंथ कैसे निकालते हैं, x की पावर y, y की पावर x का सॉल्यूशन क्या होता है, इस तरह के जो जनरली चीज़ें नहीं मिलती इधर उधर किताबों में नहीं मिलती, जो जनरली किसी भी कोचिंग के टीचर में नहीं मिलती, उन चीज़ों को हम रिसर्च करके थ्रू आउट द कहीं पे भी बच्चा अगर है कहीं पे भी बैठा है तो वो ऑनलाइन हमारे YouTube चैनल पे जाके इस तरह के वीडियोस को देख सकते हैं। तो इस तरह का एक इनोवेटिव आइडिया हम यूज़ कर रहे हैं। तो जो इनोवेटिव वर्ड है ऐसा नहीं है कि नाम का इनोवेटिव वर्ड है, हम वाकई में प्रयास कर रहे हैं, हम वाकई में जमीन स्तर पर काम कर रहे हैं, हमारी कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं है, हम जो कह रहे हैं वो वाकई में कर रहे हैं, हमारा काम भी होता है। जी धन्यवाद लोकेश जी। जैसे कि इन्होंने बताया कि इनोवेटिव फील्ड में इन्होंने किस तरह से काम किया, इन्होंने वीडियो लेक्चर्स भी यहाँ पर रखे हुए हैं, इन्होंने प्रैक्टिकल एजुकेशन को भी किस तरह से बढ़ावा दिया, इन्होंने किस तरह से साइंस के फील्ड में अपनी एक अलग ही पहचान बना ली है। और मेरा अब नेक्स्ट सवाल रहने वाला है वो है स्ट्रेस से रिलेटेड,
कि हमारे हमने देखा गया है कि आमतौर पे बच्चों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है, वो इंजीनियर बनने के बजाय वो एक पेशेंट ज़्यादा बनते जा रहे हैं, तो वो स्ट्रेस को किस तरह से रिलीज किया जाए, ये मेरे को एमरजी से एक छोटा सा सवाल करना है आज जी। अच्छा सवाल है अनिकेत जी, और आज का जो ये एजुकेशन का माहौल है उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि एजुकेशन के जो बड़े बड़े हब जो हम मानते हैं सीकर एंड कोटा, और वहाँ से हमें कई तरह की हम डेली कोई ना कोई डिस्टर्बिंग न्यूज़ हम लोग पढ़ते हैं, और कई तरह के एक्सट्रीम केसेस लाइक सुसाइड जैसे भी केसेस हमको ऑफन देखने को और सुनने को मिलते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो जैसा लोकेशन ने बताया कि हमारा जो ये एजुकेशन देने का मेथड है वो खुद भी स्ट्रेस फ्री मेथड है। ये जो मेथड इटसेल्फ है ना, जिस मेथडोलॉजी से हम काम कर रहे हैं, जो कितना एक सपोर्टिव सिस्टम, देखो आप, आपको क्लास में नहीं समझ आया कोई बात नहीं, आपका वीडियो लेक्चर आपके लिए अवेलेबल है, आपको रिवीजन करने में दिक्कत आ रही है आपके लिए नॉलेज पार्क है, आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, इतने सारे 3D मॉडल्स है, एक्सपेरिमेंट्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो सबसे पहला जो हमने काम किया है फंडामेंटल लेवल पे, वो यही किया है कि जो लर्निंग है उसको ईजी बनाया है। जब तक आप लर्निंग को ईजी नहीं बनाओगे, आप दूसरा ज्ञान देके या मोटिवेशन करके भी बच्चों में स्ट्रेस कम नहीं कर सकते, क्योंकि आप मोटिवेट करके बच्चे को कितना स्ट्रेस कम करोगे? जब तक आपको वो बात ही नहीं समझ में आ रही है तब तक मोटिवेशन आई थिंक काम नहीं करेगा। तो एक तो हमने ये चीज़ की है कि जो फंडामेंटल लर्निंग है उसको और ज़्यादा डीप और ज़्यादा क्लियर और ज़्यादा प्रिसाइज किया है। दूसरी चीज़ हम ये कर रहे हैं, हमारे जो फाउंडिंग मेंबर हैं डॉक्टर कन्हैयालाल जी कच्छावा, वो अपने MD हैं साइकेट्री एंड न्यूरोलॉजी में, उनके हम लोग रेगुलर सेशंस ऑर्गेनाइज करवाते हैं, जो बच्चे स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में, माइंड मैनेजमेंट के बारे में, टाइम मैनेजमेंट के बारे में, बच्चों को इफेक्टिव टेक्निक्स के बारे में बताते हैं। और इसके अलावा हमारे जो भी रेगुलर मोटिवेशनल सेमिनार्स रहती हैं, शहर की जो एमिनेंट पर्सनैलिटी को हम लोग बच्चों को मोटिवेट करने के लिए बुलाते हैं। और दूसरा हमने जैसे कई तरह के थ्रू आउट द ईयर्स हमने कुछ प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए हैं, जैसे हमने मधुमिता रे जी के साथ जो स्पीक मेके नाम का इंस्टीट्यूट है उनके साथ हमने एक शास्त्रीय संगीत संध्या ऑर्गेनाइज किया था, और जन्माष्टमी सेलिब्रेशन और इस तरह के टीचर्स डे सेलिब्रेशन, बर्थडे सेलिब्रेशन, इस तरह के हम छोटे छोटे 20 में प्रोग्राम्स करते रहते हैं, और ये प्रोग्राम कहीं ना कहीं बच्चों के स्ट्रेस को कम ही करता है, और बाकी हमारा तो सहयोग रहता ही है। और इस तरह की चीज़ों से हमें लगता है कि स्ट्रेस को काफ़ी हद तक मतलब कंट्रोल किया जा सकता है। फिर भी जो भी अभी इस वीडियो को यदि कोई पेरेंट्स वगैरह देख रहे हैं, तो उनके लिए मेरी आपसे एक राय भी रहेगी कि आप बच्चों के दोस्त बनिए, है ना, बच्चों को आप एक सप्रेसिंग वाले एटीट्यूड में मत रहिए। अब वो मतलब वक्त रहा नहीं है कि आप बच्चों को डांट फटकार के उनको आप वो सारे काम करवा लोगे जो आप करवाना चाह रहे हो। तो मेरे पेरेंट्स को एक ये सजेशन रहेगा कि आप बच्चों के दोस्त बनिए, ताकि बच्चे हर चीज़ आपके सामने एक्सप्रेस कर पाए, और जब तक बच्चों की हर चीज़ आपके सामने नहीं आएगी तब तक ना तो टीचर्स कुछ कर पाएंगे ना पेरेंट्स कुछ कर पाएंगे। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट वाली जो चीज़ है ये सबका एक मिलाजुला प्रयास रहना चाहिए, इंस्टीट्यूट का भी, टीचर्स का भी, पेरेंट्स का भी और सोसाइटी का भी। धन्यवाद जी। धन्यवाद एमआर सर। कि जैसा कि आपने जाना दोस्तों कि किस तरह से एलकेमी बच्चों के ऊपर स्ट्रेस आने ही नहीं देता है, इसी तरह एक मेरे और माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि सर आप सोच रहे हैं, इतना कर रहे हैं, तो बच्चों से मतलब पर्सनल इंटरेक्ट कैसे करते होंगे, कि मतलब उसके बारे में क्या मतलब आपकी अवधारणा है, क्या यहाँ पे भावना है कि किस तरह से आप बच्चों के साथ मिलते हैं, कैसे उनसे मतलब इंटरेक्ट करते हैं, कि मतलब मैंने देखा है कि कोटा में इतना ज़्यादा वो नहीं है कि बच्चों से पर्सनल केयर बिल्कुल भी ज़ीरो है, वहाँ पे पर्सनल केयरिंग हो ही नहीं पा रही है, जिसकी वजह से बच्चा स्ट्रेस में चला जाता है, तो उसकी आप किस तरह से सोचते हैं? देखिए, जैसे आप जिस एजुकेशन सिस्टम की बात करो कि एक क्लास में 300 बच्चे हो और मास्टर जी पढ़ा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे कहीं पे पर्सनल केयर मिलेगा। तो इस रिगार्डिंग हमने एक तो क्या किया है कि क्लासरूम का जो साइज़ है हमने 30-40 स्टूडेंट मैक्सिमम रखा है, इससे क्या है कि हर बच्चे से हम पर्सनली जुड़ते हैं। इसके अलावा क्लासरूम ख़त्म होने के बाद में हमारा एक डाउट काउंटर रहता है जहाँ पे बच्चा जाके फैकल्टी से पर्सनली जाके सवाल पूछ सकता है, एकेडमिक रिलेटेड, पर्सनल अपनी लाइफ के रिलेटेड, अगर पर्सनली उसको कुछ प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड भी बात कर सकता है। इसके अलावा हमने पर्सनल केयर के लिए एक फैकल्टी गाइड प्रोग्राम चलाया है जिसमें हर फ्राइडे को हम 1.5 घंटे का
फैकल्टी के साथ मीटिंग रखते हैं। फैकल्टी गाइड में क्या होता है कि एक फैकल्टी को कुछ बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है कि आप इन बच्चों के पिता समान हो, एक गार्जियन का जो एक रूप होता है आप वो हो, आप बच्चों से इस तरह से जुड़ो, आत्मीयता से जुड़ो कि बच्चा आपसे पर्सनल से पर्सनल कोई भी जो बात है वो शेयर कर सके, उसकी कोई भी समस्या हो तो उस समस्या, क्योंकि हमें समस्या जब पता चलेगी तभी तो हम समाधान कर पाएंगे। क्योंकि हमें बहुत केसेस में ये होता है कि मतलब जो दूसरे अगर जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो वहाँ पे बच्चों की पर्सनल समस्या ही नहीं पता, तो उस वजह से समाधान तो कहाँ से आएंगे। तो समस्या का पता तो चले, तो इसलिए फैकल्टी गाइड जो प्रोग्राम है उसमें बच्चों का वन टू वन इंट्रैक्शन रहता है, एक फैकल्टी एक पिता का रूप निभाता है, कोई फैकल्टी माता का रूप निभाती है। तो इस तरह से हमने ये फैकल्टी गाइड प्रोग्राम चला रखा है जिसमें बच्चों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है और बच्चे एक बहुत ही अच्छा हेल्दी माहौल महसूस कर रहे हैं, तो इसलिए हम एक पर्सनल केयर में ये कार्य कर रहे हैं। तो देखा कि किस तरह से एलकेमी के टीम मेंबर्स बच्चों के ऊपर पर्सनल केयर करते हैं। मेरा एक और यहाँ पे छोटा सा सवाल आ रहा है, वो है सक्सेस रेशियो के ऊपर। हमने देखा है कि एडमिशन्स तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आज देखा जाए तो 15 लाख के करीब आईआईटी जेई के फॉर्म भरे जाते हैं और 15 लाख के करीब हमारे पास नीट और एम्स के फॉर्म भरे जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे अगर बात आई सिलेक्शन रेशियो की तो वो परसेंटेज काफ़ी कम है। तो चलिए जानते हैं हम एमआर सर से कि सिलेक्शन रेशियो या फिर सक्सेस रेशियो के बारे में उनकी क्या राय है। जी बहुत अच्छा सवाल है अनिकेत जी, और कोचिंग इंडस्ट्री में ये एक प्रॉब्लम रहती है कि आप सक्सेस रेशियो को कैसे बढ़ाया जाए। अमूमन अपन देखते हैं कि जो भी बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने देश में काम कर रहे हैं 1-2% उनका सक्सेस रेशियो रहता है। तो एलकेमी संस्था ने सक्सेस रेशियो को इंक्रीज करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक बढ़ाने के लिए कि बच्चे हमारे मेडिकल कॉलेजेस और अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाए, उनके लिए हमने क्या क्या प्रयास किए हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस का जवाब हम दे ही चुके हैं। जिसमें एक तो हम ये कर रहे हैं कि जो थोरो लर्निंग है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल जो क्लैरिटी है वो बढ़े, ताकि आपका जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का वे है वो सुधरे। दूसरा जैसे फैकल्टी गाइड प्रोग्राम है उसके थ्रू भी कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। इसके अलावा जहाँ तक बात आती है सिलेबस को ख़त्म करने वाली चीज़, तो जो 12th के बच्चे हैं और जो टारगेट के बच्चे हैं उनका सिलेबस टिल डेट ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, तो अभी हमने उनके लिए DTS स्टार्ट कर रखी है, डेली टेस्ट सीरीज, उनके तहत उनके सिलेबस का रिविज़न चल रहा है, हर टॉपिक के टेस्ट हो रहे हैं, टेस्ट का सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन के बाद रैंक लगती है, रैंक के बाद एनालिसिस होता है, कहाँ पे दिक्कत है, क्या समस्या है, कैसा है, कैसे किस बच्चे को पहले कैसे पुश किया जा सकता है, इस तरह की चीज़ों के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। उसके अलावा जो हमारे डाउट काउंटर्स हैं, इवनिंग कैंप एक हम लोग चला रहे हैं, हमारी जो भी सारी जो क्लासेज हैं सुबह 8 से 1 बजे तक क्लासेज हो जाती है और शाम को फिर हमारे डाउट काउंटर्स, इवनिंग कैंप्स, बच्चे हमारे साथ ही पढ़ते हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनका उनको लेके हम काफ़ी होपफुल हैं, काफ़ी पॉजिटिव हैं इन चीज़ों को लेके, और हमें लगता है कि ये चीज़ें श्योरली सक्सेस रेशियो को इम्प्रूव करेगी। और सिंस इट इज़ आवर फर्स्ट ईयर सो ये बहुत सारे अलग अलग इनोवेशन हमने किए हैं, सो लेट्स सी कितना कुछ हो पाता है। जी सर, हम भी आशा करेंगे कि आपका जब भी रिजल्ट आने वाला हो तो आप भी एकदम धूमधड़ल्ले से बाकी इस तरह की मतलब गतिविधियों में पार्टिसिपेट करें, हमें आप भी नाचते हुए दिखें, ये हम आशा करते हैं। और अब मैं एक ओवरऑल क्वेश्चन पूछना चाहूँगा यहाँ पे अपने गेस्ट से कि यहाँ पे आप सर आपका विज़न मतलब कि कितना ब्रॉड है, इसके ऊपर आप थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे क्या कि किस तरह से आप आगे मतलब सोचा हुआ है कि आपने 2018 में जिस तरह से स्टार्ट किया था, एक अच्छे सा विज़न देखा है आपने कि एक इनोवेशन को आपने बढ़ावा दिया है, तो उसी को आगे किस तरह से आप प्रोसीड करेंगे उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को प्लीज़ बताइए। देखिए अनिकेत जी, हम डॉक्टर और आईआईटियंस तो बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन जो कमी है, डॉक्टर्स और आईआईटियंस तो बहुत बन रहे हैं, जो कमी है वो नोबेल प्राइज़ विनर्स की है विज्ञान के क्षेत्र में, मुझे ऐसा लगता है भारत में। तो हमारे एलकेमी का विज़न है कि भारत को नोबेल प्राइज़ विनर्स देने विज्ञान के क्षेत्र में, और ऐसा कुछ हो कि माहौल बदल जाए, ऐसा कुछ हो कि सूरत बदल जाए भारत की, और वो हम एजुकेशन के थ्रू करना चाहते हैं। अगर एजुकेशन बदलेगा तो सब कुछ बदल जाएगा। अगर आपको पता है, अगर हमारे बच्चों को ये पता होगा कि काम कैसे होता है, कैसे किया जाता है, तो बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर बनेंगे, बहुत अच्छे साइंटिस्ट बनेंगे, और जितनी भी ये समस्याएँ हैं, बेरोज़गारी, भुखमरी और
कुछ नहीं, ये मतलब जितनी भी समस्याएं आज हम जूझ रहे हैं जो भारत में, वो सारी समस्याएं निपट सकती है। तो मैंने अपने जीवन का जो आने वाला 15-20 साल है इसमें देखा है कि 15-20 सालों में बहुत कुछ क्रांतिकारी बदलाव आने वाला है और एलकेएमई उस क्रांतिकारी बदलाव का एक बहुत ही अनभिन्न हिस्सा बनने वाला है, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। बहुत सारे नोबेल प्राइज़ विनर्स बनेंगे, बहुत सारी नई नई डिस्कवरीज होगी और ये एलकेमी के जो विद्यार्थी हैं और उसमें जाएंगे, ये ऐसा हमारा ख्वाब है, ऐसा हमारा विज़न है इस एलकेमी संस्था के लिए और इसी विज़न के साथ हमने ये शुरुआत की है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिकेत जी। तो देखा दोस्तों, आज हमने अपनी जो मीटिंग रखी थी या फिर अपनी जो सीधी बात चर्चा में हमारे साथ गेस्ट मौजूद थे MR सर और लोकेश कछावा जी, इनसे आज अपने ने सीधी बात करी और आज हमने जाना कि किस तरह से इनोवेटिव आइडिया से एलकेमी रन हो रही है और किस तरह से ये स्ट्रेस को कम करते हैं और किस तरह से ये सक्सेस रेशियो को इनका इंक्रीज करने का फंडामेंटल्स हैं। तो जुड़े रहिए अगली चर्चा में फिर मेरे साथ। मेरा नाम अनिकेत गर्ग, धन्यवाद।